तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले क्लास 12 इंग्लिश पे पेपर पे पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लेटर जो कि पेपर में हर साल पूछा जाता है। देख सकते हो ये आपका 2024 का पिछले वर्ष का पेपर और 10 नंबर पे आपका ये लेटर पूछा गया था। आप इसे लेटर बोल सकते हो या अप्लीकेशन बोल सकते हो, ठीक है। आपका अप्लीकेशन या लेटर जो है वो है कि राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर। मतलब आपको अपनी फ्री स्टूडेंटशिप के लिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जिससे आपकी स्टूडेंटशिप जो हो जाए वो क्या हो जाए, फ्री हो जाए। तो ये लेटर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेटर है, हर साल ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आपको इसे कैसे लिखना है, कैसे आप आसानी से इसे तैयार कर सकते हो, सब कुछ आज आपको इस वीडियो पर बताएंगे। और बात करें ये आपके 10 नंबर पेपर में पक्के कराने वाला है, ठीक है। 10 नंबर आपको इससे मिलने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लेटर है आपका ये या अप्लीकेशन है, ठीक है। लेटर बोल सकते हो या अप्लीकेशन बोल सकते हो। तो एकदम मस्त तरीके से इसे आपको देखना और तैयार जरूर कर लेना क्योंकि एग्जाम में भी हर साल पूछा जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपका जो अप्लीकेशन है, राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर, ठीक है। मतलब कि आपसे कहा गया आपको एक अप्लीकेशन लिखना है, किसको लिखना है, टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, कहाँ के, कॉलेज के, अर्थात आपको अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य या कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है जिसमें क्या बताना, फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप। मतलब फ्री स्टूडेंटशिप का मतलब होता है निःशुल्क छात्रवृत्ति के लिए, स्टूडेंटशिप छात्रवृत्ति और फ्री निःशुल्क छात्रवृत्ति के लिए, टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर, जिससे क्या हो सके आप स्टडी फर्दर। फर्दर का मतलब होता है आगे, स्टडी का मतलब होता है शिक्षा। मतलब कि आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है जिसमें आपको बताना है कि आप मेरी छात्रवृत्ति जो है उसे निःशुल्क कर दीजिए जिससे मैं अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकूँ। मतलब मान लो आपके पास पैसे नहीं है कि आप कॉलेज की फीस दे सके, तो आपको अपनी स्टूडेंटशिप जो कॉलेज का मतलब आपकी पढ़ाई है उसको आप फ्री कराना चाहते हो, निःशुल्क छात्रवृत्ति चाहते हो प्रधानाचार्य जी से, तो इसलिए आप पत्र लिख रहे हो कि आप मेरी निःशुल्क छात्रवृत्ति कर दीजिए जिससे मैं आगे पढ़ सकूं, मैं बहुत गरीब हूं। तो ये सारी बातें आपको यहां पे बतानी है, ठीक है। तो एकदम मस्त तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले देखो लेटर लिखने के लिए आपको, देखो यहाँ पे अप्लीकेशन टाइप का है ये, इसलिए आपको यहाँ पे टू दी प्रिंसिपल से शुरू होना होगा। और ऐसे हमने आपको लेटर में बताया था, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर आपको क्या लिखना होता है, डेट लिखनी होती है, फिर आपको क्या लिखना होता है, रिसीवर एड्रेस, ये सारी चीज़ें बताई थी। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, ये अप्लीकेशन टाइप से पूछा जाता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे टू दी प्रिंसिपल से शुरू होना है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर लिखना है टू, देख लो लिखने का तरीका, ये नहीं कि एक ही लाइन पे टू दी प्रिंसिपल, पहले टू लिखना है, फिर कॉमा लगाओ, फिर इसके जस्ट नीचे दी प्रिंसिपल लिख दो, फिर इसके नीचे अपने कॉलेज का नाम लिख दो, जो आपके कॉलेज का नाम हो। मान लो हमने लिख दिया आकाश इंटर कॉलेज फतेहपुर कानपुर, कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। हमने लिख दिया आकाश इंटर कॉलेज फतेहपुर, आपके जो कॉलेज का नाम हो डाल देना। फिर इसके बाद आपको कॉपी पे एक लाइन छोड़ देना और नीचे लिख देना डेट, जो आज की डेट हो, जिस तारीख पे आप लेटर लिख रहे हो, मान लो कोई भी डेट हो सकती है। आपने डाल दिया जैसे आज 17 तारीख है मान लो, तो 17 अक्टूबर 2024, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लिख देना कि मान लो लिख दिया 17/10/24, ऐसे ना कर देना, ऐसे इंग्लिश पे लिखना 17 अक्टूबर 2024, ठीक है। तो इस टाइप से आपको लिख देना है, सिंपल सी बात है, आपको ऐसे लिखना है। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, नीचे जैसे ही टू लिखो जस्ट नीचे द प्रिंसिपल, फिर जस्ट नीचे कॉलेज का नाम, जो कॉलेज का नाम है आकाश इंटर कॉलेज फतेहपुर, फिर कॉपी पे एक लाइन छोड़ देना, जब कॉपी पे लिखना एक लाइन छोड़ना, नीचे उसके लिखना 17 अक्टूबर 2024, फिर उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे एक लाइन छोड़नी, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एक लाइन छोड़नी, पहले यहाँ तक लिखना, फिर कॉपी पे एक लाइन छोड़ना, लिखना 17 अक्टूबर 2024, फिर एक लाइन छोड़ना, नीचे लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, सब्जेक्ट का ये मतलब होता है कि आप किस सब्जेक्ट या किस विषय पे आप लेटर लिख रहे हो। तो हमने लिखा अप्लीकेशन फॉर स्टूडेंटशिप, मतलब कि हमें, आप यहाँ पे फ्री स्टूडेंटशिप लिख लो, अप्लीकेशन फॉर फ्री स्टूडेंटशिप, फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक है, फ्री स्टूडेंटशिप, स्टूडेंटशिप, ठीक है, स्टूडेंटशिप। हम अप्लीकेशन क्यों लिख रहे हैं, फॉर फ्री स्टूडेंटशिप, मतलब हम निःशुल्क छात्रवृत्ति के लिए अप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो आपको मतलब सब्जेक्ट पे ये चीज़ डालना है, जिस सब्जेक्ट या जिस विषय पे आप लेटर लिख रहे हो। जैसे अप्लीकेशन फॉर फ्री स्टूडेंटशिप, हमें निःशुल्क छात्रवृत्ति के लिए हम लोग लेटर लिख रहे हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट हो आपको यहाँ पे लिख देना है, जैसे हमने लिखा अप्लीकेशन फॉर फ्री स्टूडेंटशिप। तो सिंपल, इतने तक आपको समझ में आया होगा। आप इसके बाद फिर जस्ट नीचे आपको कॉपी पे एक लाइन छोड़नी, नीचे से लिखना है डियर सर, आप अपने सर प्रिंसिपल सर को लिख रहे हो, तो यहाँ पे लिख देना डियर सर, ठीक है। अब आपको बताना है अपनी समस्या कि आपकी क्या समस्या है, क्यों आप फ्री स्टूडेंटशिप चाहते हो, ठीक है।
है, तो सबसे पहले आपको बताना कि मैं आपके कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरी ये दिक्कत है, मेरे पापा की ज़्यादा सैलरी नहीं है, उनके पास पैसे कम है जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई के लिए वो नहीं दे सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपनी समस्या बतानी है। तो सबसे पहले लिखा गया डियर सर, अब इसके नीचे कॉमा लगेगा, यहाँ पे देख सकते हो डियर सर के बगल में कॉमा लगाया गया, सॉरी यार क्या हो रहा है, ठीक है, डियर सर के बगल में यहाँ पे कॉमा लगा, ये वाला यहाँ पे कॉमा लगा, ये कॉमा लगा। अब इसके बाद आपको लिखना है सबसे पहले आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का एक विद्यार्थी हूँ, आई पास्ड, अब आपको बता देना कि मैंने पिछले वर्ष भी आपके कॉलेज पे ही पढ़ा है, तो हमने लिखा आई पास्ड एक्स आई, एक्स आई का मतलब समझते हो ना, एक्स आई का मतलब इलेवेंथ, ठीक है, एक्स का मतलब होता है टेंथ, एक्स आई का मतलब इलेवन, ठीक है, तो आई पास्ड इलेवेंथ क्लास, आई पास्ड इलेवेंथ क्लास फ्रॉम दिस कॉलेज लास्ट ईयर, मतलब मैंने पास किया है इलेवेंथ क्लास को फ्रॉम दिस कॉलेज, इसी कॉलेज से लास्ट ईयर पिछले वर्ष पे, मतलब मैंने पिछले वर्ष पे इसी कॉलेज से अपना इलेवेंथ क्लास पास किया है और इस बार मैं ट्वेल्थ के लिए चाहता हूँ फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक है। तो आई पास्ड, मैंने पास किया इलेवेंथ क्लास फ्रॉम दिस कॉलेज लास्ट ईयर, मतलब मैंने पिछले साल ही आपके ही कॉलेज से क्लास इलेवेंथ पास किया है, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं आई वांट टू कीप रेगुलर माई स्टडीज इन दिस कॉलेज बट माई फादर्स लो इनकम डज नॉट अलाउ इट, मतलब आई वांट का मतलब मैं चाहता हूँ टू कीप, जारी रखना, रेगुलर नियमित रूप से माई स्टडीज, अपनी पढ़ाई को इन दिस कॉलेज, इस कॉलेज में, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इस कॉलेज पे अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से चालू रख पाऊँ, बट लेकिन माई फादर्स लो इनकम, मतलब मेरी फादर अर्थात मेरे पिता की लो इनकम का मतलब आपका कम आय, मतलब जो उनकी आमदनी है वो कम है, ठीक है, माई फादर्स लो इनकम मतलब मेरी पिताजी की कम आमदनी डज नॉट अलाउ इट, इसकी अनुमति नहीं देती, मतलब कि आई वांट टू कीप रेगुलर माई स्टडीज, मैं चाहता हूँ आपके इस कॉलेज से अपनी स्टडी को मतलब जारी रखना, ठीक है, मैं चाहता क्या हूँ कि मैं आपके कॉलेज से अपनी स्टडी को आगे भी जारी रखूँ, लेकिन मेरे पिताजी की जो लो इनकम है, जो उनकी कम आमदनी है, वो इस बात की अनुमति नहीं देती, अर्थात मेरे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है कि मुझे आगे पढ़ा पाएँ, क्योंकि उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, तो अपनी समस्या बतानी पड़ेगी कि तभी तो स्टूडेंट से फ्री होगी, ठीक है। तो लिखा गया आई वांट टू कीप रेगुलर, मतलब मैं कीप रेगुलर, कीप का मतलब जारी रखना चाहता हूं, रेगुलर का मतलब नियमित, माय स्टडी अपनी पढ़ाई को इन दिस कॉलेज, आपके कॉलेज से, बट माय फादर्स लो इनकम डज नॉट अलाउ इट, लेकिन मेरे पिताजी की कम आमदनी इसकी अनुमति नहीं देती है, ठीक है। अब इसके बाद लिखा गया आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, मतलब मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, मेंशन हियर यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ डैड कि आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। अच्छा विद्यार्थी होगी तभी तो मान लो उनको भी लगेगा यहाँ पढ़ने में सही है, इनकी स्टूडेंटशिप माफ कर दो, बहुत गरीब लड़का है, ठीक है, इस टाइप से बताना पड़ेगा ना। तो हमने लिखा आई वुड लाइक टू मेंशन, मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ डैट आई एम अ गुड स्टूडेंट, कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। आई ऑलवेज, मैं हमेशा स्टूड फर्स्ट इन प्रीवियस क्लास, अर्थात आई ऑलवेज मैं हमेशा रहा हूँ क्या रहे हो, स्टूड फर्स्ट का मतलब, स्टूड फर्स्ट का मतलब पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा हूँ या पढ़ाई में हमेशा प्रथम रहा हूँ। इन प्रीवियस क्लास पिछली कक्षा में, मतलब मैं हमेशा पिछली कक्षाओं में फर्स्ट आता था, ठीक है, स्टूड फर्स्ट मतलब फर्स्ट, पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आता था, मतलब मैं हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहता था या हमेशा पढ़ाई में प्रथम आता था, ठीक है, तो ये चीज़ बताया गया। फिर लिखा गया आई एम अ गुड प्लेयर, मैं एक अच्छा खिलाड़ी भी हूँ, एज वेल एज कैप्टन, एक कप्तान के रूप में ऑफ कॉलेज क्रिकेट टीम, मतलब मैं कॉलेज क्रिकेट टीम पे बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ और मैं कॉलेज क्रिकेट टीम का कप्तान भी हूँ, ठीक है, मतलब कहा गया आई एम अ गुड प्लेयर, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ, एज वेल एज कैप्टन ऑफ कॉलेज क्रिकेट टीम, मतलब जो कि कॉलेज क्रिकेट टीम का एक कप्तान भी हूँ, मतलब मैं आपके कॉलेज क्रिकेट टीम का एक कप्तान भी हूँ और एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी भी हूँ, क्रिकेट टीम का मतलब जो आपकी क्रिकेट की टीम होती है, ठीक है, तो इस टाइप से आपने बताया। फिर लिखा गया अब आप क्या चाहते हो, आपने अपनी समस्या तो बता दी कि मतलब मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं, मुझे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है, सारी समस्या बता दी। फिर यहाँ पे लिखा कि मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ, फिर बताया कि मैं हमेशा आपके कॉलेज पे पिछली कक्षाओं में फर्स्ट आता रहा हूँ, फिर बताया कि मैं एक प्लेयर भी हूँ, मैं एक अच्छा खिलाड़ी भी हूँ और आपकी क्रिकेट टीम, आपके कॉलेज की क्रिकेट टीम पे कप्तान भी हूँ, ठीक है। फिर आप क्या चाहते हो वो लिख सकते हो। लिखा गया काइंडली ग्रांट मी फ्री स्टूडेंटशिप, मतलब मैं आपसे चाहता हूँ फ्री स्टूडेंटशिप, तो कृपया मुझे फ्री स्टूडेंटशिप दे, काइंडली का मतलब कृपया, तो काइंडली ग्रांट मी, कृपया करके मुझे दे, क्या दे, फ्री स्टूडेंटशिप, मुझे
मतलब फ्री का मतलब आपको क्या, फ्री निःशुल्क छात्रवृत्ति दे, फ्री स्टूडेंटशिप निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान करें, मतलब जो मेरी पढ़ाई है उसको इस साल के लिए माफ़ कर दें, ठीक है। तो काइंडली ग्रांट मी फ्री स्टूडेंटशिप, मैं चाहता हूँ कृपया करके मुझे मतलब निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान करें, काइंडली का मतलब होता है कृपया, तो कृपया करके मुझे निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान करें, सो डैट ताकि आई मे कीप रेगुलर माई स्टडीज, आई मे कीप रेगुलर माई स्टडीज, जिससे मैं अपनी पढ़ाई को आगे भी जारी रख सकूँ, ठीक है। मतलब काइंडली ग्रांट मी फ्री स्टूडेंटशिप, सीधा सीधा कहा गया कि कृपया करके मुझे फ्री स्टूडेंटशिप अर्थात निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई को आगे आपके कॉलेज से जारी रख सकूं, ठीक है। फिर लिखा गया आई होप नॉट ओनली बट आल्सो, आई होप नॉट ओनली बट आल्सो इज श्योर डैट यू विल ग्रांट माई रिक्वेस्ट, यू विल ग्रांट माई रिक्वेस्ट, ठीक है। कहा गया आई होप, मैं आशा, आई होप नॉट ओनली बट आल्सो, इसका सीधा सीधा मतलब होगा आई होप, मैं आशा ही नहीं करता हूँ, ओनली बट आल्सो मतलब मुझे, आल्सो इज श्योर, देखो आल्सो इज श्योर मतलब मैं आशा ही नहीं करता हूँ बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है, ठीक है। श्योर का मतलब विश्वास और होप का मतलब आशा, मैं आशा ही नहीं करता हूँ बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है दैट यू विल ग्रांट माई रिक्वेस्ट, कि आप मेरी इस अनुरोध का, इस रिक्वेस्ट का, इस रिक्वेस्ट पे आप कोई निर्णय लेंगे और आप मेरी रिक्वेस्ट को मानेंगे और मेरी स्टूडेंटशिप को फ्री कर देंगे। फिर इसके बाद लिख दिया गया योर्स ओबीडियंटली एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की जगह अपना नाम लिखा जाता है लेकिन बोर्ड एग्जाम कॉपी पे नाम नहीं लिखना इसलिए एक्स वाई जेड लिख दिया गया। तो इस टाइप से ये लेटर या एप्लीकेशन लिखना है जिससे आपको 10 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे और आप देख सकते हो कितने आसान शब्दों पे, सिंपल ऊपर से देख सकते हो सबसे पहले टू, फिर नीचे दीप प्रिंसिपल, फिर कॉलेज का नाम, डेट डाला, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट पे लेटर लिख रहा हो, फिर डियर सर सबसे पहले बताओ कि मैं आपके कॉलेज पे पढ़ता हूँ, मैंने पिछले वर्ष आपके कॉलेज से क्लास 11th पास किया, फिर हमने बताया कि मैं अपनी स्टडी को आपके कॉलेज पे जारी रखना चाहता हूँ लेकिन मेरे पिताजी की इनकम बहुत कम है जिसके कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई वुड लाइक टू मेंशन हियर डैट, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, ठीक है, आपके कॉलेज का एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन प्रीवियस क्लास, मैं हमेशा आपके कॉलेज पे प्रथम स्थान पे आया हूँ, मतलब पिछली कक्षाओं पे प्रथम स्थान पे आया हूँ, आई एम अ गुड प्लेयर, मैं एक अच्छा खिलाड़ी भी हूँ, एज वेल एज कैप्टन ऑफ कॉलेज क्रिकेट टीम, और मैं क्या हूँ, मैं कॉलेज क्रिकेट टीम का कप्तान भी हूँ, काइंडली ग्रांट मी फ्री स्टूडेंटशिप, कृपया करके मुझे दे, क्या दे, फ्री स्टूडेंटशिप निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान करें, सो डैट ताकि आई मे कीप रेगुलर माई स्टडी, जिससे क्या कर सकूँ, मैं अपनी स्टडी को रेगुलर कर सकूँ अर्थात नियमित रूप से आगे बढ़ा सकूँ, आई होप नॉट ओनली बट आल्सो इज श्योर डैट यू विल ग्रांट माई रिक्वेस्ट, मतलब कि सीधी सीधी बात है, मैं आशा ही नहीं करता बल्कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को मानेंगे और मेरी स्टूडेंटशिप को फ्री कर देंगे। फिर लिख दिया गया योर्स ओबीडिएंटली एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड की जगह अपना नाम लिखा जाता है लेकिन यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आपको नाम नहीं लिखना, इसी टाइप से एक्स वाई जेड लिख देना। तो आशा करते हैं आज का लेटर आप सभी को समझ में आया, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना और जो लोग चैनल पर ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी टाइप से जितने भी इंपॉर्टेंट लेटर पेपर में पूछे जाते हैं हम उनको करा रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे अगला वीडियो आएगा आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, और चैनल पर इंग्लिश की प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाके देखोगे तो आपके सारे महत्वपूर्ण लेटर मिल जाएंगे, उनको तैयार करो, एग्जाम पे आपको मस्त नंबर लाना है, ठीक है। तो 10 नंबर का पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसका स्क्रीनशॉट करना हो कर लो।